बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है आकांक्षा और आप देख रहे हैं स्वैग वाली श्रीमती। सो गाइस, जिस चीज का मुझे बहुत दिन से इंतजार था एंड जो लोग मेरा वीडियो देखते होंगे उन्हें भी शायद इंतजार रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बात कर रही थी कि मैं कुछ क्रिएटिव वीडियोज का एक सीरीज लाऊंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है एंड मैं हर साल की तरह इस साल भी लड्डू गोपाल की का झूला जो है वो मैं बनाऊंगी। तो मैं सोचा कि इसी से क्यों ना शुरुआत की जाए इस सीरीज की। सो बेसिकली क्या है कि घर में हमारे ना देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जिसे हम कचरा कूड़ा समझ के फेंक देते हैं। कुछ ऐसी ही चीजें मैं इकट्ठा करूंगी एंड इससे मैं कुछ एक डेकोरेटिव पीस या फिर कुछ यूजफुल चीजें, ऐसी कुछ चीजें मैं बनाऊंगी। तो इसकी मैं ना बहुत सारी 3-4 वीडियोज बनाऊंगी एंड इस सीरीज का मैंने नाम रखा है कबाड़ से जुगाड़। सो कबाड़ से जुगाड़ में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल का झूला। तो देखो ऐसे जो डब्बे आते हैं ना अमेजोन वगैरह से, ऐसे हमारे पास बहुत सारे पड़े होते हैं, पर हम क्या करते हैं इसे बहुत दिन तक ऐसे रखते हैं स्टोर रूम में एंड फिर उसके बाद हम इसे फेंक देते हैं। तो ऐसी ही चीजों से आज मैं लड्डू गोपाल का झूला बनाने वाली हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले ना हम बनाएंगे झूला, बाद में हम बेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम झूला के लिए ऐसा, ये जो मैंने बताया था आपको ऐसा मेरे पास अमेजोन का एक डब्बा था, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में काट दूंगी। ऐसा मैंने रेक्टेंगुलर काट लिया है एंड इसके मैं 3-4 और काटूंगी एंड उन चारों को मैं एक साथ बाइंड कर दूंगी एंड उसके ऊपर से मैं टेप लगा दूंगी। ओके चलो करते हैं। सो देखो ये ऐसा बन के रेडी है। मैंने 3-4 उस शेप में काटे एंड देन फिर उसको ना ब्राउन टेप से ऐसे बना के रेडी कर लिया है। एंड ना मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा सिल्वर पेपर है। ऐसा सिल्वर पेपर ना आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, 10 रुपये का ये इतना बड़ा मिलता है। सो बहुत ज़्यादा पैसे आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सो मैं इसके ऊपर इसको लगाऊंगी। सो गाइज ये हमारा जो मैं बोली थी झूला का जो बेस होता है ना वो बन के रेडी है एंड अभी इसके पीछे से ना ऐसा ही बूट का हम लगाएंगे ऐसे पीछे से एक वो बैकग्राउंड देने के लिए। सो देखो इसके इसका बैकग्राउंड देने के लिए ये मैंने ऐसा हाफ सर्कल सा, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा है तो ये हाफ सर्कल सा मैंने काट लिया है एंड इसको ना अब हम इसके पीछे ऐसे पेस्ट करेंगे एंड इसके ऊपर ना मैं कुछ कलरफुल पेपर लेके आई हूँ। हमारा ये बैकग्राउंड बन के रेडी है एंड ना मैंने सोचा कि इस पे ना मैं मोर का इफेक्ट दूंगी थोड़ा, क्योंकि कृष्ण भगवान का मोर से कुछ अलग ही रिश्ता रहा है। तो ना मेरे पास ऐसे कुछ स्पार्कल पेपर है ये एंड एक और है ये गोल्डन कलर का, तो इससे ना मैं मोर के पंख बनाऊंगी ऐसे शेप में काट के एंड उस इसके ऊपर ऐसे ऐसे पेस्ट करूंगी एंड देन फिर लास्टली हम इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे ऐसे। सो कुछ मैं ऐसा काटूंगी ऐसे शेप में एंड इसके ऊपर मैं ये गोल्डन सा काटूंगी एंड ये हम ऐसा सा ऐसे से चिपका के पूरे में ऐसे से चिपकाएंगे। सो बहुत प्यारा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन ना, देखो आप खुद ही देखो कितना वहां से प्यारा लग रहा है। सो अभी इसको पेस्ट करते हैं इसके ऊपर। हमारा बैकग्राउंड बनके रेडी है एंड ये काफी खूबसूरत लग रहा है। मुझे पता है आप लोग को भी काफी खूबसूरत लग रहा होगा। सो क्योंकि अभी ही मैंने इस पे फेविकॉल लगाया तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको सूखने के लिए, तो इसे सूखने देते हैं एंड ये हमारा सूख के रेडी है बैकग्राउंड। एंड मैंने ना ऐसा कुछ लेस खरीदा था
तो मैंने सोचा कि इस पे पेस्ट कर देते हैं। तो मुझे एक आइडिया आया, क्योंकि मैं इसे सर्कल में पेस्ट नहीं कर पा रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि कट करके ऐसे ऐसे पेस्ट करूँ। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो मैं इसे कट करके और एक एक पेटल्स पे ऐसे चिपका दूँगी। जब ये पूरा रेडी हो जाएगा ना, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये लेस लगाने के बाद ना, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। एंड अब क्योंकि ये इस पे चिपक चुका है, तो अब हम इसे झूले से ऐसे करके अटैच कर देंगे। बेस की बारी। बेस मतलब जिस पे हम अपना झूला टिकाएंगे, मतलब जिस पे हम अपना झूला ऐसे लगाएंगे। इसके लिए ये मैंने दो पाइप ले लिया है। बेसिकली ये पाइप एक्चुअली कपड़ा सुखाने का जो स्टैंड होता है ना, वो मेरा पूरी तरीके से टूट चुका था, तो उसी का मैंने ये पाइप ले लिया है। एंड उसको सुबह ही में ही हमने काट के ऐसे शेप में बना लिया है। एंड इसको फिर हम ऐसे टिल्ट करके स्पेस बनाएंगे। एंड ये जो डब्बा आप देख रहे हो ना, ये मेरे पास एक बहुत ही पुराना डब्बा साड़ी का पड़ा हुआ था, जिसको मैंने ऐसे पिछले साल भी यूज़ करा था जन्माष्टमी में, जब मैंने पिछले बार झूला बनाया था। तो हम इसी को ही रेनोवेट कर लेंगे कुछ अलग पेपर लगाकर। एंड ये पेपर जो मैं लाई थी, वही पेपर मैं इस पर चिपका रही हूँ। लो, ये हमारा बेस बनके रेडी है। एंड अब हम इस पे झूला टिकाने के लिए ये दोनों पाइप को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। ये पाइप को डेकोरेट करने के लिए ना, ये मेरे पास पहले से एक लेस पड़ी थी पिंक कलर की, तो मैं सोच रही हूँ कि उसी को इस पे से ऐसे रोल करके एंड चिपका दूँ, ताकि थोड़ा सा डेकोरेटिव लगने लगे। सो गाइज, ये चारों हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले मैंने इस पाइप के ऊपर ऐसा ये कलर लगाया, जो ये पेपर था इस कलर का, एंड उसके ऊपर से हमने ये दोनों लेस हाफ हाफ करके लगाया है। एंड ये जब रेडी हुआ, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिटी लग रहा है। तो अभी अब तक तो जो हमारा चल रहा था डेकोरेशन का काम, अभी असल काम जो आया है, वो अब आया है कि कैसे इन सबको हम सेट करें एक साथ। क्योंकि अलग अलग तो सारी चीजें हमने बना ली, हमने बेस भी बना लिया, हमारा झूला भी सूख के रेडी है, एंड ये भी बन चुका है। सो गाइज, ये हमारा बेस बन के रेडी है। देखो, इसको हमने बड़ी मुश्किल से इस पे ऐसे टिकाया है, एंड फेविकॉल वगैरह लगा दिया इसमें। यहाँ पे हमने थोड़ा सा छेद कर दिया है, एंड देन फिर इसको डाल के फेविकॉल लगा के ये पूरा हमने सेट कर लिया है। और हमारा झूला बन के रेडी है। गाइज, फाइनली हमारा झूला बन के रेडी है। एंड ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमने उसी पाइप को काट के, जिस पाइप से ये सब बनाया था, उसी पाइप को काट के उस पर हमने ये पेपर चिपकाया। एंड ये जो बेल्स एंड ये सब गोल गोल वाले दिख रहे हैं, ये सब मैंने क्रिसमस में लाया था ट्री को सजाने के लिए, एंड वो सब पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूज कर दिया जाए। सो या, दिस इज पसंद आए। सो गाइज, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा जन्माष्टमी वीडियो, जिसमें मैं और भी डेकोरेशन वगैरह करूंगी, कैसे मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, क्या क्या बनाती हूँ, कैसे हम लोग पूजा करते हैं, ये सब वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो स्टे ट्यून, चैनल पे हमारे बने रहिएगा।
एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप मेरा वीडियोस देख सके आगे भी. सो या दिस इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग.